आपको बता दें कि मामला गुलावठी थाना क्षेत्र के ग्राम बराल का है, जहां मंदिरों में रखी हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा तोड़े जाने का मामला प्रकाश में आया है। जहां बीती रात्रि कुछ असामाजिक तत्वों ने गांव में स्थित एक साथ चार मंदिरों की प्रतिमा को तोड़ दिया। मंदिर में मूर्तियां तोड़े जाने के चलते ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों को घटना की जानकारी तब लगी जब श्रद्धालु पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर पहुंचे। ग्रामीणों की सूचना पर स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी पहली इस प्रकार की घटना हुई है। ग्रामीणों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए पुलिस प्रशासन के साथ क्षेत्राधिकारी सिकंदराबाद मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से घटना की जानकारी ली। पुलिस प्रशासन ने ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए कहा कि इस कार्य में संलिप्त आरोपी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। घटना के बाद मंदिरों को सील कर दिया गया है। जहां एक ओर इस घटना से पूरे हिंदू समाज में रोष व्याप्त है, तो वहीं दूसरी ओर मौके पर पहुंचे ADM प्रशांत कुमार व SP सिटी सुरेंद्र नाथ तिवारी ने ग्रामीणों से सौहार्द बनाए रखने की अपील की है और कहा कि इस घटना के खुलासे के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। घटना का शीघ्र खुलासा कर दिया जाएगा। ये कराल गांव में कुछ मंदिरों में मूर्तियों को खंडित किया गया है। इसमें हमारी पूरी टीम आई हुई है, थाने की टीम है, यूनिट में हमारी आई हुई है, सोजिक टीम आई हुई है और हम सारे लोग यहाँ पर गांव वाले पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं। उनके सहयोग से जल्दी ही हम लोग जो भी इसमें इस कृत्य को किया है उसको पकड़ेंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। और गाँव में सभी लोग समझदार हैं, इन लोगों ने आश्वासन दिया है कि हम लोग सहयोग करेंगे पूरी तरह से इस घटना का नाम। तो सर, जिस तरीके से कोई चोरी नहीं हुई है और इरादतन माहौल बिगाड़ने का ऐसा लगता है, उन्माद फैलाने के इरादे से घटना कारित की गई है, तो टीमों का गठन किया गया तकनीकी माध्यमों से असली दोषियों तक पहुंचने के लिए? बिल्कुल, हमारी तकनीकी माध्यम से भी हमारी टीम जारी है। जैसा मैंने बताया आपको, हमारे सोजी भी है, फील्ड यूनिट भी इसके लिए लगी हुई है और प्लस हमारे आसपास के जो थाने हैं उसमें हमने कोतवाली देहात की हमारी लगी, कोतवाली नगर की टीम आई हुई है और भी आसपास के जो हमारे थाने हैं सिकंदराबाद से सारे लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, सब इसी काम के लिए लगे हुए हैं। जल्दी जल्दी हम लोग अनारोट के इसके लिए प्रयास करते हैं। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।